दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना ब्रेकिंग। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सांसदों की सैलरी 30% कम करने की मंजूरी। बड़ी खबर आपको बता दें, एक साल तक सांसदों की सैलरी 30% कम करने को मंजूरी। पीएम मंत्रियों सहित सभी सांसद 30% कम सैलरी लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, सभी अपनी इच्छा से 30% कम सैलरी लेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल भी 30% कम सैलरी लेंगे। सांसद निधि फंड 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सांसद निधि का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सांसदों की सैलरी 30% कम करने को मंजूरी मिल गई है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, एक बड़ा मामला यहाँ पर देखा जाए कोरोना को लेकर, जिस तरीके से कैबिनेट से मंजूरी मिली है। बिल्कुल अमित, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसको लड़ने के लिए जो कैबिनेट है, दिल्ली कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा अहम फैसला किया है और इसके तहत जो सांसदों की सैलरी है वो 30% कम करने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, तमाम इन लोगों की भी जो है सैलरी 30% कम करने का निर्णय इस पर हुआ है और सांसद निधि फंड पर भी 2 साल के लिए एक तरह से स्थगित कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है और सांसद निधि फंड का इस्तेमाल फिलहाल कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उनमें, दवाओं पे, सैनिटाइजर पे, इन पर खर्च होगा ताकि कोरोना पर किसी तरह से रोक लग सके। और ये एक अहम फैसला आप कह सकते हैं केंद्रीय कैबिनेट का है और जो केंद्रीय मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि सभी सांसदों की सैलरी 30% कम करने को मंजूरी दी गई है और इस सैलरी कम होने के बाद जो सरकार का जो भार है वो कम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या उपराज्यपाल, इन तमाम लोगों की सैलरी भी 30% कम कर दी गई है। सांसद निधि फंड का उपयोग फिलहाल कोरोना के खिलाफ होगा, कोरोना से लड़ाई में, दवाओं में होगा, सैनिटाइजेशन में होगा और तमाम अन्य चीजों में होगा। तो ये मुझे लगता है आने वाले समय में दूसरे राज्यों के लिए भी एक तरह से सबक होगा और हो सकता है कि केंद्र की तरह ही दूसरे राज्य भी इस तरह का कोई फैसला ले। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है अमित, और इस फैसले का कम से कम जनता को इससे राहत मिलेगी, उम्मीद की जानी चाहिए कि और प्रदेशों की सरकारें भी इस तरह के फैसले को लागू करें ताकि वहां भी जो विधायकों को जो फंड मिलता, सैलरी मिलती है वो 30% कटौती हो और जो मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को सैलरी मिलती है 30% कटौती होगी तो वो पैसा बचेगा, वो तमाम दवाओं के काम आएगा, कोरोना के खिलाफ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें काम आएगा, क्योंकि अभी इस समय जरूरत है देश को कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा हमें पूरा लेखा जोखा बता रहे थे कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ रहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें और इस वक्त की एक